हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि दोस्तों अभी आप फेसबुक में आप जो भी स्टोरी लगाते हो दोस्तों, आप अपनी इमेज की स्टोरी लगाते हो तो आप उस पर कोई भी म्यूज़िक, आप अपना मनपसंद म्यूज़िक को ऐड कर सकते हो इंस्टाग्राम जैसे। एंड दोस्तों, अगर आप फेसबुक बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हो तो आपको ये भी पता होगा कि ये पहले इसमें फ़ीचर नहीं था, ये सिर्फ इंस्टाग्राम में फ़ीचर था। एंड इस फीचर को दोस्तों कुछ मतलब महीनों पहले ही शायद ऐड किया गया है, क्योंकि मैं दोस्तों बहुत 2015 से ही फेसबुक को यूज़ कर रहा हूँ। आप मेरे आईडी में जाकर चेक कर सकते हो, मैंने ज्वाइन 2015 में किया हुआ। एंड उस टाइम के बाद से ये फीचर तो स्टोरी में वो वाला उस टाइम पर नहीं था, बट अब आप जो भी इमेज अपने स्टोरी में लगाते हो तो उस पर आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हो इंस्टाग्राम के जैसे। जैसे आप इंस्टाग्राम में कोई भी अगर इमेज लगाते हो तो आप उसमें म्यूज़िक ऐड कर सकते हो अपना मनपसंद म्यूज़िक, जो भी आप नया हो या पुराना हो आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। बहुत कम म्यूज़िक ऐसे होंगे जो आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, ये म्यूज़िक लगाना बहुत ही लोगों को पता होता है कि आप अपने इमेज पे म्यूज़िक कैसे लगा सकते हो फेसबुक पे, बट दोस्तों ये बहुत कम लोगों को नहीं भी पता होता है, जिसके कारण आज की मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप अपने फेसबुक में जो स्टोरी लगाते हो तो उस इमेज पर आप म्यूज़िक को कैसे ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो तो आज की हमारी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एंड दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने फेसबुक की स्टोरी में अपने इमेज के साथ म्यूजिक को कैसे ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, हम यहाँ पे मैंने अपना यह फेसबुक को यहाँ पे ओपन कर लिया है एप्लीकेशन को, एंड आप यहाँ पे देख भी सकते हो मेरे प्रोफाइल को। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे ऐड करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ऐड टू स्टोरी पर क्लिक करना होता है, एंड उसके बाद आपको एक इमेज सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अपनी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे यहाँ पे इमेज देख रहे हो तो मैं यहाँ पे अपने ये इस वाले इमेज को मैं यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। आप कोई भी इमेज अपना सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जो पसंद हो। एंड सिलेक्ट होने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप स्टिकर वाला भी ऑप्शन आता है, आप स्टिकर भी ऐड कर सकते हो। बट यहाँ पर हम म्यूज़िक की बात करें तो इसको हम रिमूव करते हैं। म्यूज़िक लगाने के लिए दोस्तों आपको ऊपर में देखिए एक स्टिकर लिख कर ऑप्शन आता है, एंड उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर स्टिकर पहले ऑप्शन आते थे, आप कोई भी स्टिकर लगा सकते थे, बट यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसमें से एक है म्यूज़िक वाला ऑप्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो भी मनपसंद सॉन्ग है, आप जो भी है आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में भी आ जा रहा है, यहाँ पे आपको पॉपुलर म्यूज़िक चल जाएंगे, जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, जो अभी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, वो सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। आप पुराने से पुराने नए से नए म्यूज़िक को यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल में ये वाला म्यूज़िक प्ले करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा प्ले नहीं कर सकता, कॉपीराइट आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आप किसी भी सॉन्ग को सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जस्ट उस पर एक बार टैप करना होता है। तो मैंने इस सॉन्ग को अभी सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप लिरिक्स के साथ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे इस सॉन्ग में लिरिक्स अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिरिक्स भी अवेलेबल है, आप ऐसे भी लगा सकते हो ब्लैक एंड ब्लैंक बैकग्राउंड के साथ, या फिर ऐसे भी लगा सकते हो। आपको यहाँ पे जिस भी तरह से आपको पसंद है दोस्तों, आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं दोस्तों अभी इसको मैं हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे डन करके यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक म्यूज़िक आपको सुना देता हूँ स्कैम 1992 का। तो मैं वहाँ पे चलिए म्यूज़िक में जाके मैं यहाँ पे उस म्यूज़िक को सर्च कर लेता हूँ, एंड मैं वो म्यूज़िक भी आपको एक बार सुना देता हूँ, एंड मैं उसको लगा कर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने स्कैम, आपको बस स्कैम भी लिखोगे तो आपके सामने ये म्यूज़िक आ जाएगा, एंड मैं इसको प्ले करके आपको सुनाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आपने ये म्यूज़िक सुना, अब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। एंड दोस्तों, आप इसको आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिरिक्स वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें लिरिक्स नहीं है। तो आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक सिलेक्ट कर लीजिए आपको किस थ्रू आपको कैसे लगाना है। एंड उसके बाद आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको जस्ट डन पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे दोस्तों अपने फ़ोटो को भी साइज में क्रॉप ये कर सकते हो, एंड आप इस ये जो आपका सॉन्ग है आप उसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे आप फोटो को भी ये कर सकते हो, एंड उसको भी छोटा बड़ा कर सकते हो। तो आप अपने फ़ोटो को अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, एंड म्यूज़िक को भी आप ऐसे सेट कर लीजिएगा। एंड देन उसके बाद आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको जस्ट शेयर टू स्टोरी पर क्लिक कर देना। तो चलिए अब हम यहाँ पे शेयर टू स्टोरी पर क्लिक कर देते हैं, एंड मैं आपको वहाँ दिखा भी देता हूँ दोस्तों। तो ये प्रोसेसिंग हो रहा है, एंड यहाँ पे ये कुछ ही सेकंड्स में प्रोसेसिंग हो जाके यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा।
तो चलिए अब मैं इसको जल्दी से कंप्लीट हो जाने देते हैं दोस्तों, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो आपका व्यू स्टोरी पे क्लिक करके, तो यहाँ पे फिनिशिंग हो रहा है, लास्ट मूव पे है फिनिशिंग के, तो हम इसको होने देते हैं एंड देन उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि कितना जल्दी कम्प्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ ही सेकेंड्स में कम्प्लीट हो जाता है, तो मैं अब चलिए कम्प्लीट होने के बाद आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर फुल लग चुका है एंड आप यहाँ पर क्लिक करके देख भी सकते हो, आपके म्यूज़िक के साथ आप यहाँ पर म्यूज़िक भी सुन पा रहे हो दोस्तों। तो मैं अपने म्यूज़िक को थोड़ा एक बार बढ़ा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे फोटो के साथ म्यूजिक ऐड हो गया है। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से अपने फेसबुक स्टोरी पेज में अपने इमेज के साथ में सॉन्ग्स को लगा सकते हो एंड दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आप भी कैसे लगा सकते हो। एंड ये बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों, या फेसबुक की बात करें या फिर इंस्टाग्राम या फिर अभी तो लोग बहुत सारे व्हाट्सएप में भी ये लगा रहे। तो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरी उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक मुझे अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता था। आप जरूर से मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों। एंड दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी वीडियो अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा, आप जाकर देख सकते हो। तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।